2022 में 100 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही कर 162 करोड़ रुपयों की संपत्ति कुर्क, सरकार के दावे के लिए पैरवी शुरू। आरजी रेंज प्रवीण कुमार ने बताया कि 2022 में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत 100 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई और 162 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई और साथ ही साथ ऐसे कई और अपराधी चिन्हित किए गए जिन पर जल्द ही कार्यवाही होगी। डीजी लखनऊ के आदेश पर सभी जिलों में यह कार्यवाही की गई है। योगी सरकार 2.0 में अपराधी और माफियाओं के खिलाफ जमकर कार्यवाही हो रही है। बात अगर मेरठ रेंज की करें तो मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर और बागपत के करीब 100 कुख्यात अपराधियों की 1,62 अरब करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। योगी सरकार में इतनी बड़ी कार्यवाही को देखकर अपराधी भी खौफ हैं। सबसे ज्यादा बागपत जिले के गैंगस्टर पर कार्यवाही की गई है। बागपत में 46, बुलंदशहर में 26 और हापुड़ में 14 और मेरठ में 10 गैंगस्टर के खिलाफ कार्यवाही कर उनकी संपत्ति कुर्क की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस संपत्ति को अटैच कर राज्य सरकार की तरफ से अपने कब्जे में लिया गया है। के उत्तर प्रदेश शासन की प्राथमिकता के क्रम में यूपी गैंगस्टर एक्ट के केसेस के प्रबलतम अभियोजन के लिए पूरे हमारी रेंज के सभी डिस्ट्रिक्ट्स पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। इस 2022 में 100 अभियुक्तों के विरुद्ध जो 162 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की गई है, इसमें न सिर्फ अटैच करना एक लक्ष्य है बल्कि हम इसे राज्य सरकार के पक्ष में कन्फिस्केट कराने के लिए भी न्यायालय में व्यापक पैरवी कर रहे हैं और हम इसको सुनिश्चित कराएंगे कि बहुत जल्दी इसकी पैरवी सुनिश्चित हो जाए। हमने सभी जगहों पर हर डिस्ट्रिक्ट में केस सूचीबद्ध किए हैं जो यूपी गैंगस्टर एक्ट के हैं, जहां पर प्रॉपर्टी अटैच भी की गई है और जहां के लोगों की क्रिमिनल हिस्ट्री है, उसको हम अगले 2 माह में इसमें और अच्छे सकारात्मक परिणाम लाएँ कि हम कन्विक्शन कराएँ। कुछ कन्विक्शंस की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और उद्देश्य यही है कि जो भी किसी भी तरीके से समाज विरोधी कृत्य किया है और उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट की परिधि में आता है, इसमें हम प्रभावी अभियोजन कर सकें और ऐसे लोग जिन्होंने इस तरह की संपत्तियां अर्जित की हैं उन्हें जब्त करा करके राज्य सरकार के पक्ष में कन्फिस्केट कराई जाए। पूरी तरह से जो शासन की प्राथमिकता है और डीजी ऑफिस के निर्देश है, उसके क्रम में पूरे रेंज के सभी डिस्ट्रिक्ट प्रतिबद्ध है और लगातार इस दिशा में कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे।